नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं सुरीली आवाज के जादूगर, मेलोडी किंग, इंडियन प्लेबैक सिंगर मोहम्मद अजीज साहब और बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गीतकार वर्मा मलिक साहब का। और दोस्तों, आज है वर्मा मलिक जी का पुण्यतिथि। 15 मार्च 2009 को 83 साल की उम्र में वर्मा मलिक जी इस दुनिया से अलविदा कह गए थे। तो आज वर्मा मलिक जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए यही जानेंगे कि मोहम्मद अजीज साहब ने वर्मा मलिक जी के गीत को पहली बार कौन सी फिल्म में अपनी आवाज़ दी है। यूँ तो मोहम्मद अजीज साहब ने ऐसे बहुत सारे वर्मा मलिक जी के गीत हैं जिन गीतों को अपनी आवाज़ दी है, आप लोग जानते ही हैं। लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में यही जानेंगे कि मोहम्मद अजीज साहब ने वर्मा मलिक जी के गीत को पहली बार कौन सी फिल्म में अपनी आवाज दी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दुनिया में कुछ रहेगा तो बस प्यार रहेगा। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है मोहम्मद अजीज साहब ने वर्मा मलिक जी के जिस गीत को पहली बार अपनी आवाज दी, वो गीत मोहम्मद अजीज साहब ने किशोर कुमार साहब के साथ गाया था। आप लोगों को 1985 की फिल्म पैसा ये पैसा तो याद ही होगा। और इस फिल्म में मोहम्मद अजीज साहब ने 2 गीत गाए थे और दोनों ही गीतों को वर्मा मलिक साहब ने लिखे थे। और इसमें का एक गीत मोहम्मद अजीज साहब ने किशोर दा के साथ गाया। गीत के बोल हैं, जोर से बजाओ जरा बैंड बाजा। और इस गीत को बहुत ही अपनी खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद अजीज, किशोरदा और अनुराधा पंडवाल जी ने अपनी आवाज़ दी। और ये गीत जो है वो जैकी श्रॉफ, देवेन वर्मा और नूतन पे फिल्माया गया। जोर से बचाओ जरा बैंड बाजा। और इस फिल्म का संगीत उषा खन्ना जी ने दी। और इस फिल्म का दूसरा गीत है सजना वो सजना, दिल नहीं हो लगना। और इस गीत को बहुत अपनी खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद अजीज साहब और अनुराधा पंडवाल जी ने अपनी आवाज़ दी। और ये गीत जो है वो जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी सेसाद्रि पे फिल्माया गया। तो नींद उड़ा गया सावन का महीना फिर। और दोस्तों, इन दोनों गीतों को वर्मा मलिक साहब ने ही लिखे थे। और यही पहली फिल्म है जिनमें मोहम्मद अजीज साहब ने वर्मा मलिक जी के गीत को पहली बार अपनी आवाज़ दी। और मोहम्मद अजीज साहब ने पहला गीत जो है वो किशोर दा के साथ गाया। और वैसे देखा जाए तो मोहम्मद अजीज साहब ने वर्मा मलिक जी के कई ऐसे गीत हैं जिन गीतों को अपनी आवाज़ दी है। तो आइए उन गीतों के बारे में भी बात करते हैं। आप लोगों को 1986 की फिल्म चंबल का बादशाह तो याद ही होगा। और इस फिल्म में मोहम्मद अजीज साहब ने एक गीत गाया था। गीत के बोल हैं, मेरा हुस्न और तेरा इश्क। ये कवाली गीत है दोस्तों, जिसे बहुत अपनी खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद अजीज साहब और दिलराज कौर जी ने अपनी आवाज़ दी। और इस फिल्म का संगीत सोनिक उमी साहब ने दिया था। और इस फिल्म के साथ ही आप लोगों को 1987 की फिल्म तेरा करम मेरा धर्म तो याद ही होगा। और इस फिल्म में मोहम्मद अजीज साहब ने वर्मा मलिक जी के एक गीत को अपनी आवाज़ दी। गीत के बोल हैं, महफिल में ले लूँ नाम तेरा। और ये कवाली गीत काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ। और बहुत अपनी खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद अजीज और परवीन साबा जी ने अपनी आवाज़ दी। और इस फिल्म का संगीत सोनिक उमी साहब ने दिया था। और इस फिल्म के साथ ही आप लोगों को 1987 की फिल्म सीतापुर की गीता तो याद ही होगा। और इस फिल्म में मोहम्मद अजीज साहब ने 2 गीत गाए थे और दोनों ही गीतों को वर्मा मलिक साहब ने लिखे थे। और पहला है, हम जो कुछ करने आए हैं। और दूसरा है, ना छतरी ना छत ना छप्पर। इन दोनों गीतों को मोहम्मद अजीज साहब ने ही गाए थे। और बहुत ही बढ़िया संगीत सोनिक उमी साहब ने दिया था। और इस फिल्म के साथ ही दोस्तों, और ऐसे कई फिल्में हैं जिन फिल्मों में मोहम्मद अजीज साहब ने वर्मा मलिक जी के गीत को अपनी आवाज़ दिए थे। आप लोगों को 1987 की फिल्म हुकूमत तो याद ही होगा। और गीत के बोल हैं, ना जुल्म ना जालिम का अधिकार रहेगा, दुनिया में कुछ रहेगा तो बस प्यार रहेगा। ये गीत भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ। दुनिया में कुछ रहेगा तो बस प्यार रहेगा। फिल्म के साथ ही 1987 की ही फिल्म गोरा तो आप लोगों को याद ही होगा। और इस फिल्म में भी मोहम्मद अजीज साहब ने 2 गीत गाए थे। और दोनों ही गीतों को वर्मा मलिक साहब ने लिखे थे। पहला है, दे रगड़ा हो तगड़ा। और दूसरा है, इन आँखों को आशिक शराब कहे तो। और इस फिल्म के बाद 1988 की फिल्म मेरा मुकद्दर। और इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग मोहम्मद अजीज साहब ने ही गाया था। और बहुत ही बढ़िया संगीत कमल कांत जी ने दिया। और लिरिक्स वर्मा मलिक साहब ने दिया था।
और इस फिल्म के साथ ही दोस्तों आप लोगों को 1989 की फिल्म देश के दुश्मन तो याद ही होगा। और इस फिल्म में मोहम्मद अजीज साहब ने वर्मा मलिक साहब के दो गीत को अपनी आवाज़ दी। पहला है मैं हूँ नगीना, जिसे मोहम्मद अजीज साहब और आशा भोसले जी ने अपनी आवाज़ दी, और दूसरा है जो मुझे देखेगा तिरछी निगाह करके, और इस गीत को भी मोहम्मद अजीज साहब और आशा भोसले जी ने अपनी आवाज़ दी और बहुत ही बढ़िया संगीत सोनी कोमी साहब ने दिया था। और इन फिल्मों के साथ ही दोस्तों और ऐसे कई फिल्में हैं जिनमें मोहम्मद अजीज साहब ने वर्मा मलिक जी के संगीत में अपनी आवाज़ दी है। आप लोगों को 1990 की फिल्म जवानी जिंदाबाद तो याद ही होगा, और इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग वर्मा मलिक साहब ने ही लिखे थे, और बहुत अपनी खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद अजीज साहब और अनुराधा पंडवाल जी ने अपनी आवाज़ दी, और ये गीत जो है वो आमिर खान और फराह पे फिल्माया गया। और दोस्तों इन फिल्मों के साथ ही और कई फिल्में हैं जिनमें मोहम्मद अजीज साहब ने वर्मा मलिक जी के गीत को अपनी आवाज़ दी, जिन्हें हम चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। और आज है वर्मा मलिक जी का पुण्यतिथि, आज ही के दिन वर्मा मलिक साहब इस दुनिया से अलविदा कहे गए थे, तो हम लोगों की तरफ से वर्मा मलिक जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि, और वे जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो और ऐसे ही जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो वॉचिंग करने के लिए।